हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने थंबनेल पे देख लिया है कि हम 40 दिन में आपका क्रेश कोर्स लेके आए हैं। ऐसे समझो क्रेश कोर्स है, इसमें आप ट्यूशनों के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। यदि आपका स्कोर यदि 60 या 70% पे है तो हम उसको 80 से 90% पे ले जाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हम 5,000+ आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। हम मेरे से पहले हिंदी की पूजा मैम के आपकी क्लास आ चुकी होगी, आपने देख लिया होगा कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं वो, और एकदम शानदार कंटेंट देने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, हिंदी में आपके पूरे नंबर आएंगे। वैसे ही मैथ में कन्नी सिंह राठौड़ सर 1 महीने से आप पढ़ा रहे हैं आप सबको, तो आपने देख लिया होगा बहुत अच्छा कंटेंट करवाएंगे, तो मैथ की भी कोई टेंशन नहीं है। और रीजनिंग की भी बहुत जल्दी, अब 2 या 3 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे। और आप मैं जीके पढ़ाने वाला हूँ, जीके में एकदम शानदार, यानी देखो जीके के अंदर होता क्या कि 25 क्वेश्चन है। अब 25 क्वेश्चन किसी के सही नहीं हो सकते, बाकी 3 सब्जेक्ट हैं उन सब में हो जाएंगे, लेकिन 25 में आप 15 से और 20 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, क्योंकि इन उन सब में आप 75 में से 70 नंबर ले आओगे, और इन जीके में 15 से 20 के बीच में ले आओगे ना, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत, और इसका टाइमिंग रहने वाला है 9 बजे। अभी 9 बजे से आपकी हर रोज क्लासे होने वाली है, यानी देखो रीजनिंग की क्लास होगी शाम को 6 बजे, रीजनिंग की जो क्लास होने वाली है अपनी वो होगी शाम 6 बजे, लिख देता हूँ चलो आपको मैं, रीजनिंग की क्लास होगी। एक बार आपको टाइम टेबल बता देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। रीजनिंग क्लास अभी नहीं होगी, अभी 2 से 3 दिन के बाद हम 6 बजे आपके शाम को रीजनिंग की होगी, उसके बाद होगी अपनी हिंदी की क्लास जो पूजा मैम लेने वाली है वो होगी शाम को 7 PM, और अपनी जो मैथ की क्लास है वो कन्या सिंह राठौड़ सर लेने वाले हैं वो होगी 8 बजे, और मैं लेने वाला हूँ आपकी जीके की क्लास, या जीके या जीएस हो गया दोनों, ये मैं 9 बजे लूँगा। ठीक है, क्लास की अपनी ये टाइमिंग रहेगी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके, और याद रख लो इसी आप 40 दिन में हमारे साथ में बने रहो, आपके क्वेश्चन और आपका स्कोर देखना किस तरीके से बढ़ेगा। और एग्जाम में हमें क्या है कि हमें एक आपका सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, हम बहुत उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग लेके आए हैं, तो अब हमसे लगातार जुड़े रहना। अपन लेते हैं देखो हमारी पूरी टीम, अभी क्योंकि वो रीजनिंग वाले सर का अभी 2 से 3 दिन का रह गया है, तो उसके बाद में हम बहुत अच्छी तरीके से 4 सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हमें 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हैं आज से। अभी देखो हमारा पहला क्वेश्चन ये आ गया, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, यह है दुग्ध उत्पादन से। अब इसको बोल सकते हैं अपन श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, यह दुग्ध उत्पादन से। अब देखो मैं क्वेश्चन किस तरीके से कराऊंगा वो देखना, एक एक क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाने वाला हूं। ठीक है, तो ये कब शुरू हुई थी, 13 जनवरी 1970 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसके जनक कौन है, जनक है वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन इसके जनक है। ठीक है, आपके नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन तो यही आता है वर्गीज कुरियन का ही, यानी आपके श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन का ज्यादा आता है। तो उसी तरीके से मैं आपको क्रांति के पूरे क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं, देखना। अभी मैंने पूरी क्रांति जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार में एग्जाम में पूछी जा रही है ना, उन सबको मैं लेके आया हूं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति आपकी हो गई दूध या दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस क्रांति को शुरू किया गया था, और हरित क्रांति इसमें भारत में जनक कौन है इसका, M.S. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन इसके भारत में जनक है, और श्वेत क्रांति होगी अपनी नीली क्रांति क्या, अब इनको याद कैसे रखना है, देखो श्वेत यानी इसका हरा रंग है, ठीक है, नहीं श्वेत का क्या कि व्हाइट है, सॉरी व्हाइट रंग है श्वेत में, तो किसका रंग है, व्हाइट किसका हो गया, दूध का। इस तरीके हरित किसकी है, तो ये खादन यानी फसल वगैरह, इनसे सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इस पर क्या पड़ा था, अपनी गेहूं की फसल है ना, उस पर ज्यादा पड़ा था, गेहूं की फसल और जो चावल की फसल है उस पर पड़ा था। उसके बाद नीली, अब इसको याद कैसे रखें, नीली यानी नीला पानी होता है, तो उसी तरीके से नीली यानी मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। भूरी क्रांति होगी उर्वरक यानी जो खाद होते हैं ना अपने, उनसे संबंधित होगी भूरी क्रांति। रजत, रजत क्रांति किस संबंधित है, अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति, अब पीली में इनको आप इस तरीके रिलेट करो, देखो पीली क्या होती है, सरसों होती है, तो सरसों क्या आती है, तिलन में आती है ना, तो उसी तरीके से आप रिलेट करके इसको याद करोगे ना जल्दी याद हो जाएगी। अब लाल क्रांति देखो, लाल किसका रंग है, टमाटर का या मांस का, तो टमाटर या मांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। कृष्ण क्रांति है बायोडीजल संबंधित। गुलाबी क्रांति है झींगा मछली, अब इसमें गाना था ना,
गुलाबी तेरी आंखें, तो गुलाबी क्रांति मछली उत्पादन से, बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन, ठीक है, सुनहरी है फसल या बागवानी, इसमें बागवानी भी जोड़ सकते हो, और शहद, यहां पे लिख देता हूं शहद, शहद उत्पादन संबंधित है, ठीक है। अमृत क्रांति यानी नदी जोड़ो परियोजनाएं, नदी जोड़ो क्या है कि जो भारत की जो नदियां हैं उनमें काफी नदियों में क्या है बाढ़ आती है, तो काफी नदियां सूखी पड़ी रहती है, तो उन सबको जोड़ने का कार्य इस अमृत क्रांति में किया गया है। धूसर क्रांति, ये अपने सीमेंट से, इसका क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है सीमेंट से, इसका जरूर याद रखना आप, ठीक है ना। गोल क्रांति, और आलू कैसा होता है, गोल होता है, तो गोल क्रांति किससे संबंधित होगी, आलू से। काली यानी पेट्रोलियम या कोयला यानी खनिज से संबंधित कौन से होगी, आपकी काली क्रांति। तो आप इसमें देख लो आप कितने क्वेश्चन है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके जो आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं ना उन सब पे हम काम कर रहे हैं बार बार, और मैंने बहुत सारे एग्जाम में पेपर में उठाए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ पूछे जा रहे हैं, तो आपकी लेवल के एग्जाम के आराम से इनमें क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इनके जनक भी होते हैं तो वो जनक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक तो श्वेत क्रांति के कर लीजिए और एक है हरित क्रांति के, ठीक है। अब इसमें हरित क्रांति में एक वो विश्व में पूछ सकता है, हाँ इसका ध्यान रखो एक बार, इसमें विश्व में पूछ सकता है, विश्व में जनक कौन है इसका, तो नॉर्मल नॉर्मल बोर्ड लोग, ये जरूर याद रखो ना। अब इसके दो जनक इस बात में एक विश्व में, आपकी देखो मेरी थोड़ी राइटिंग है ना खराब आ रही है, ठीक है ना, उसको मैं प्रयास करूंगा अच्छी आए एक बार, तो आपका अभी फोकस होना चाहिए समझने के अंदर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है? अब इसमें देखो राजस्थान में भी बार बार अभी पेपर लीक हो रहे हैं, तो राजस्थान में भी किया गया है और गुजरात में भी किया गया है, तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड रहने वाला है, आपके एग्जाम में ऑप्शन कौन सा रहा है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि गुजरात ऑप्शन में है या राजस्थान, आपको एक ही मिलने वाला है, दो नहीं मिलेंगे, आपको एक मिलेगा तो आपको वो राइट कर देना है, ठीक है। इसमें कुछ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो अभी दोनों आ गए इसमें, ठीक है। उसके बाद में देखो पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, साथ साथ में है ना आप आंसर भी देते रहो, जिसे क्या कि खुद को याद होएंगे, जल्दी याद होएंगे आपकी में प्रैक्टिस। अब देखो आपका जो जीके है वो बहुत बड़ा भंडार है, तो उसको याद थोड़ा रख पाओगे और इतना नंबर भी नहीं लेके आ सकते, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो अपने जो एग्जाम में पूछ रहे हैं जो बार बार क्वेश्चन, उन सबको एक जगह समाहित करके मैं आपके सामने लेके आऊँ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत अच्छे अच्छे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। तो रक्षा कवच कौन होगी स्कीम, ओजोन परत, ओजोन परत होगी। अब ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, इस पर बात करते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया, और पहला ओजोन दिवस कब मनाया गया था, 1995 को, ये आपको याद रखना है, प्रथम ओजोन दिवस कब मनाया गया 1995 को, और ये सम्मेलन कहां पे हुआ था, ये हुआ था मॉन्ट्रियल सम्मेलन है, मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहां पे ये सम्मेलन किया गया था। क्या कि मेरी थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है, मैं इस पे कंटेंट पे ज्यादा काम कर रहा हूं, आप याद रखना, देखो ना ये सम्मेलन कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और ये ओजोन दिवस आप याद रखना, ओजोन दिवस का आपके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, एसएससी जीडी वगैरह में भी इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ओजोन सीधा क्वेश्चन ये आ जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो उसके बाद देखो अपने वायुमंडल की परतें, ये भी पूछ लेता है, ये मैं लिख के ले गया क्योंकि मेरे को लगा कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, मैंने काफी चीजें लिख के भी लेके आया हूँ। तो वायुमंडल की आपकी परतें कौन कौन सी है, तो देखो अभी मैं उस हिसाब से लेके जा रहा हूँ, ऊपर की साइड में सबसे नीचे कौन सी आती है अपनी, ओजोन परत। तो इसमें क्या होता है, इसमें मौसमी घटनाएं है ना, अपनी जो मौसमी घटनाएं हैं वो इसमें होती हैं, मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, ओजोन परत में नहीं, इसमें अपने छोमंडल के अंदर ओजोन ये मौसमी घटनाएं होती है। सॉरी समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में अपनी एक तो ओजोन परत थी, ठीक है, ओजोन परत कहां पाई जाती है, समताप मंडल में। दूसरा यहां वायुयान उड़ते हैं, यानी हवाई जहाज यहीं उड़ते हैं, ठीक है। मध्य मंडल, ये जो मध्य मंडल है इसमें जो उल्का पिंड होते हैं ना अपने अंतरिक्ष में, तो वो आपने देखा होगा बार बार टूटते रहते हैं, तो वो पृथ्वी तक नहीं आते, वो इसी मंडल में उनको जलकर राख हो जाते, वहीं गिर जाते हैं, यहां पर नहीं पहुंचते पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। ये हो गया अपना आयन मंडल, इसमें क्या होता है बताओ, और ये होगा बहिर्मंडल, ये यानी इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं, हल्की गैसें पाई जाती हैं,
जैसे नाइट्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, वो सब इसमें पाए जाते हैं। आयन मंडल में क्या हो गया, अपने सेटेलाइट होते हैं ना, उपग्रह, अपने जो उपग्रह होते हैं ना वो सभी इसी मंडल में होते हैं। तो इस तरीके से आपके परत भी पूछ सकते हैं, भाई वायुमंडल की परतों को अपने क्रम में जचाओ, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताओ मुगल साम्राज्य किसने की थी, बाबर ने। अब बाबर के बारे में आप कुछ फैक्ट देख लीजिए, बाबर एक पहला शासक था, बाबर ऐसा प्रथम तैमूर शासक है जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, बादशाह की उपाधि धारण की है, ये पहला तैमूर शासक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता आपसे, और आए हुए क्वेश्चन है भाई, ये धारण करने वाला पहला शासक है, ठीक है ना। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। अब देखो बाबर से संबंधित मैं कुछ और बातें बता देता हूं आपको मैं, देखो इस पेज में देख लो, बाबर के जो महत्वपूर्ण युद्ध है ना वो देखो एक बार, जो अपने हिंदुस्तान में हुए थे वो क्रम से है, देखो 1526, 1527, मैं थोड़ा सा इधर से कहता हूँ इसको रुको, 1527, फिर हो गए 1528 और 1529, थोड़ा सा रुको इसको मैं इधर कर देता हूँ जिसको आपको पूरी जगह मिल जाएगी, ठीक है ना। इसमें कौन सा हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके बीच हुआ था, वो आप कमेंट करते रहो साथ साथ में कमेंट आने चाहिए आपकी, किस किसकी हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। आपका थोड़ा टाइम तो लगेगा, मैं लिखूंगा तो आपको, लेकिन आपको याद हो जाएगा, साथ साथ में आप भी लिख लो ना, क्या दिक्कत है, इब्राहिम लोदी और वर्सेज बाबर, ठीक है, वो आप याद रखना, मैं उसका लिख देता हूं दूसरी साइड का, ठीक है। उसके बाद में 1527 में होता खानवा का युद्ध हुआ था, किस किसके बीच में होता, राणा सांगा और बाबर के बीच में। उसके बाद में हुआ है चंदेरी का युद्ध, ये किसके बीच में हुआ था, मेदिनी राय वर्सेज बाबर, इसमें वर्सेज लगा देना आप आगे, ठीक है। 1529 में किसका होता, घाघरा का युद्ध, ये किसके, अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था, अफगान थे ना उनके बीच और बाबर के बीच में होता, इन सब में बाबर ने विजय प्राप्त की थी, तो ये उनके महत्वपूर्ण युद्ध है जो उन्हें विजय हुए थे इन सब में। और ये पूछ लेते हैं भाई कई बार, इनका क्रम ही पूछ लेंगे आपसे, और क्रम क्या पूछते हैं, ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना वो सारे पूछते हैं इसमें, देखो 1526 में ये सही है, इसके आगे और कुछ लिख देंगे तो वो सब आपको याद रखना है, देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चयनित किसे किया गया, यह भी दिया गया है, तो किसे किया गया है, ये करंट के क्वेश्चन है भाई, करंट भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं करंट के भी लेके आया हूं आपके लिए, बॉम्बे जयश्री को, इसको आप याद रखना है। और इसी के अंदर देखो संगीत में तो बॉम्बे श्री को दिया गया है, लेकिन बसंत लक्ष्मी नरसिंहराव को किस में दिया गया है, नृत्य में, ये पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। दोनों मैं लेके आ चुका हूं संगीत कला निधि वाले, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे, बताओ, और अब वर्तमान भी बताओ, दोनों बताओ, और साथ साथ में कमेंट करते रहो भाई, ऐसे नहीं होगा तो मैं ही थोड़ा पढ़ाऊंगा अकेला, आपकी तैयारी भी आपने तो बहुत सारी कर रखी है पहले से, तो मैं तो आपकी तैयारी की धार देने के लिए आया हूं, बताओ कौन सा इसमें, मेरे को तो पता है आप बताओ, इसमें है जनरल केएम करिप्पा, और अब कौन है वो पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे, अब है राष्ट्रपति अपनी तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं भाई, चीफ इन कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति अभी कौन है, कईयों को तो पता ही नहीं है राष्ट्रपति का, नहीं पता, तो आप सरकारी नौकरी की उम्मीद कैसे कर रहे हो भाई, बहुत लोगों को पूछ लो, अपने दोस्तों से पूछ लेना भाई राष्ट्रपति कौन है, घुसे रहेंगे डीपली, अरे ये क्वेश्चन आ जाते हैं वहां पे, हल्के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे फिर कैसे सिलेक्शन होगा आपका, इन ये क्वेश्चन ना आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, हल्के क्वेश्चन उनको सबको ऐसे नॉर्मल मत समझा करो, ये आपके मेरिट से बहुत दूर कर देते हैं आपको। और देखो कई लड़के नहीं होते क्या जो उनका मतलब एक दो साल करके तैयारी उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो क्यों होता है उनका, वो सारी चीजें साथ में लेके चलते हैं, और अपन क्या कर रहे हैं,
आप लोग क्या कर रहे हो बताऊं? जो पहले पहले के जो होते हैं ना आपके नोट्स वगैरह, पहला पेज या दूसरा पेज, उन सबको तो आप एक बार पढ़ लेते हो, फिर दोबारा यदि टॉपिक का नंबर आता है ना तो इनको पढ़ते नहीं हो, बोले तो याद ही है, आप डीपली घुस जाते हो। क्यों भाई, ये कौन पढ़ेगा फिर? अब गलत हो रहा है ना। अब राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। और ये कौन है बताओ? इनसे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है भाई, ये याद रखना है, ठीक है? एक ये पहली आदिवासी महिला, पहली आदिवासी महिला भी यही है, ठीक है? ये भी याद रखना, दो फैक्ट इनसे संबंधित आप याद रख लेना, ये आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है? इन्होंने 2022 में ही शपथ ली थी, 2022 में, 25 जुलाई 2022 को इन्होंने शपथ ली थी भाई। अब देख लेने की कुछ गलती होगी तो एक बार आप देख लेना, क्योंकि आप मेरा फोकस है कंटेंट आपको देने में, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिक्स हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कोई भी क्वेश्चन आपका मिक्स ना हो, ठीक है? उसके बाद में है राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया, एकदम हल्का क्वेश्चन है और काफी का भी, ये भी गलत हो जाएगा, ये आपको याद रखना है भाई, कहां गाया गया, कब और कहां बताओ, एक बार कहां गाया बताओ। ये देखो 27 दिसंबर 1911 में, और कहां पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या था, क्यों गाया गया, क्या प्रोग्राम हो रहा था वहां पे? यहां था कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन में गाया गया था ये, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब दूसरा, ये अपनाया कब गया था, राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो ये था 24 जनवरी को, ये डेट याद रख लेना आप, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भाई राष्ट्रगान, ये उसका आंसर नहीं है, ये अपनाया गया, ठीक है? राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उसके बाद में आ गया राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? अब बोलो सर ये क्या क्वेश्चन करवा रहे हो हल्के हल्के, अरे हल्के क्वेश्चन नहीं है ये, एग्जाम में आ रहे हैं। राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है, तो ये चीज आपको पूछते हैं बार बार में, तो इन सबको तो याद रखो कम से कम। आप क्यों घुस रहे हो डीपली, मैं बता रहा हूं ना इनमें आ जाएंगे आपके क्वेश्चन, तो एक तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है नेशनल, हमारे टाइपिस्ट क्या आ गया, उसको सह नहीं लिखना आता है, सह ये आएगा उसमें, ठीक है? जहां भी ये वाला सह दिखे उसको ये मान लेना, उससे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। नेशनल ड्रामा ऑफ निम्नलिखित, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किस शहर को, किस शहर में स्थित है, ये भी दो बार लिख दिया, किस शहर में स्थित है भाई नेशनल ड्रामा, यह नई दिल्ली में, और स्थापना कब हुई थी इसकी, 1959 में। इसके अध्यक्ष कौन है, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, इसके अध्यक्ष कौन है, और आप सब जानते भी हो उनके, बहुत मूवी देखी होगी उनके आपने, हमारे परेश रावल जी। किन किन को इनकी अच्छी मूवी एक्टिंग किसको अच्छी लगती है, है भाई? परेश रावल जी इसके अध्यक्ष हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था कौन था भाई, पहले का क्वेश्चन है ये, कौन था बताओ? देखा था क्या ऐसे क्वेश्चन कभी, और पूछ लेते हैं पता भी नहीं चलता है, यह है बेडेन पावेल। अब इस क्वेश्चन का तो इतना याद रख लो आप, ये सीधा सीधा आ जाएगा, ज्यादा कुछ इसका है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है, साइंस का क्वेश्चन आ गया ना, बताओ अब। मैं पूरे सब्जेक्ट उठा के लेके आए, उसमें आपकी ज्योग्राफी भी होगी, पॉलिटी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, साइंस भी होगी, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी होंगे, इकोनॉमिक्स भी होगा, यानी सब कुछ करवाने वाला हूं मैं आपको, टेंशन कुछ लेने नहीं लेनी, जो भी आपके एग्जाम में जो आएंगे ना वो सब मैं लेने वाला हूं। तो इसकी एक सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूं आपको मैं, वायरस जनित रोगों की, वायरस जनित रोगों की अपनी एक ट्रिक लिखते हैं, रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा,
तो इसमें कौन कौन से रोग आ गए? अभी देखो इधर, रचना से क्या हो गया? रेबीज, ये हो गया। चना से क्या हो गया? चिकन पॉक्स। हो सकता है राइटिंग समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं बोल रहा हूं बोलने पे ध्यान रखना, राइटिंग तो सुधार लूंगा। ठीक है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हो गया, और पानी से क्या हो गया? मलेरिया। दो रह गए, रुको, ये है मीमल्स, इसे इबोला, दोस्त से क्या है बताओ, कमेंट करके बताओ, आपने पढ़ रखा है सब, बताओ जल्दी जल्दी। जैसे क्या हो गया? जीका। रचना हमें पानी दो जरा, तो बताओ रेबीज हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मीमल्स हो गया, इबोला हो गया, मलेरिया हो गया और जीका हो गया। ठीक है, और एक और है, यानी ये वायरस यानी विषाणु, विषाणु जनित भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है भाई, ये भी याद रखना, इसको विषाणु जनित भी बोल सकते हैं। और इसका क्या हो गया था? डिप्थीरिया। नहीं नहीं डिप्थीरिया तो नहीं होगा, डेंगू, सॉरी सॉरी, डेंगू, डेंगू होगा, ये ऑप्शन में कंफ्यूज था मैं भी, डेंगू, डेंगू होगा। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो गया? जो इसमें नहीं है वो देख लो, आप देखो ये नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है नहीं है तो वो होगा डिप्थीरिया, नहीं होगा, रेबीज भी है, पोलियो भी है, डेंगू भी है। ठीक है, सॉरी सॉरी, इसकी मलेरिया की जगह आप वो करो, पोलियो करो, सॉरी पोलियो करो, सॉरी ये गलती होगी मेरे से, पोलियो करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद में अपना सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया बताओ, गलती मत जाओ, मैंने आपके कंटेंट के लिए मेहनत की थी और मेरे को क्या कि ये टाइपिंग वगैरह कराने में समय नहीं मिला, उस चक्कर में थोड़ा कंटेंट वो हो गया मेरा, इधर से उधर मैंने भागते दौड़ते भी आपकी क्लास लिए नहीं, आज हो सकता था आपकी क्लास भी ना आई, लेकिन मैं क्या कि आपसे वादा कर दिया था कि अपनी क्लास अब चलेगी तो लगातार ही चलेगी। ठीक है ना, कुछ भी हो चाहिए, अब इसलिए कुछ क्वेश्चन पे गलती भी हो जाए, जल्दीबाजी में बनाया हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो उन सबको हम धीरे धीरे सुधार कर लेंगे, तो आप तो एकदम उन कंटेंट में डाल रखो इस चीज का। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में अपन और क्वेश्चन निकालते हैं, रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। ठीक है, और महाभारत की वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने की थी। अर्थ शास्त्र की चाणक्य ने, चाणक्य ने की है। तो इन सबको भी आप याद रखना है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, साधारण लवक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण लवक का अपना रासायनिक नाम क्या है भाई, बताओ, आपके साइंस के स्टूडेंट हो आप सब लोग, तो मेरे को बताओ, आप खुद ही बताओ क्या है, कमेंट पढ़ रहा हूं आपके मैं, जल्दी बताओ। इसमें होगा सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का अपना सूत्र क्या होता है पता है क्या आपको? NaCl। ठीक है, एकदम सिंपल सा अपना इसका जो फॉर्मूला है ना, रासायनिक सूत्र है जो, सॉरी, वो NaCl होगा। और इन औरों के कौन लिखेगा फिर? मैं लिखूंगा सबके, आपका होमवर्क क्या होगा फिर, लिखो या रहने दो बताओ, इन तीनों के लिखो या रहने दो, खुद लिख लो, क्या लिख सकते हो क्या खुद? थोड़ी सी मेहनत करी लोगे तो, क्या आप सर्च करोगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, लिख तो दूंगा मैं, बताओ।
छोड़ देता हूँ, लास्ट में लिख दूंगा, लिखूंगा तो अभी के लिए छोड़ देता है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, बताओ भाई क्या था तानसेन का नाम? राम तनु पांडे, राम तनु पांडे। और एक प्रसिद्ध नवरत्न और था, यानी अकबर के जो दरबार था उसमें नवरत्न थे, तो दो प्रसिद्ध थे अपने। देखो अब ज्यादा का याद नहीं रखेंगे, एक का अपने संगीतकार हो गया तानसेन, और दूसरा सब लोग जानते हो उनका नाम क्या है, बीरबल। तो बीरबल का बचपन का नाम भी पूछ लेते हैं भाई, बीरबल का बचपन बचपन का नाम भी पूछ लेते हैं, बताओ क्या था? मोहनदास। ये क्वेश्चन आप याद रखो, ठीक है। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है, किस अवस्था में होता है बताओ? मतलब एकदम तो क्वेश्चन आपको दिखते आने चाहिए, काफी का तो सोच भी रहे हैं। सही है, सही सोच रहे हो आप, यही है कोकून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप क्या एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चनों में करेंगे। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया गया, किस तत्व किया किया जाता है भाई बताओ, किस तत्व का प्रयोग होता है बताओ? इसको वैसे मत लो आप, इसका आप ये टेस्ट भी चल रहा है, यानी टेस्ट हो गए, यानी इसमें आपको मैं व्याख्या भी करवा रहा हूं और आपका टेस्ट भी है ये। आप शाम शाम को यही करना है, आपको दिन में अच्छी पढ़ाई करनी है, शाम को 6 बजे से लग जाना है। अब 6 बजे हमारी रीजनिंग क्लास आने वाले कुछ दिन में, और अभी तो अब 7 बजे अपनी वो जो पूजा मैम है उनकी क्लास आ चुकी है आज की, और उनकी सर की करनी सर की भी आ चुकी है, और अब मेरी है, तो उसी दिन के 2-3 दिन में आपकी 6 बजे से शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। तो पूरे दिन पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना, और शाम को एक क्वेश्चन लगाया करो, क्या क्या आपके क्वेश्चन दिमाग में ऑप्शन दिखेंगे ना वहां, तो तुरंत सही कर दोगे। बताओ क्या होती है सोर सेल में? सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, अपने भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं बताओ? ये क्वेश्चन खुद करो। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली अपने आठ आठ शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने हैं? आठ शास्त्रीय नृत्य हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, अभी बताता हूं। देखो मैं कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी, लिख लो इन सबको, आप पूछे जाते हैं भाई, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, और लगता तो ऐसे जिस है अपने याद आ जाएगा एग्जाम में, लेकिन भूल जाओगे। कुचिपुड़ी लिख लो, केरल का मोहिनीअट्टम, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी सुनाऊंगा आपको मैं। मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ओडिशा का ओडिसी, फिर आ जाता है असम का, दिख रहा है क्या आपको यहां पे? असम का है, असम का है सत्रिया। उसके बाद कहां का बच गया? मणिपुर का, मणिपुर का है मणिपुरी। उसके बाद है अपने उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, कोई सा पूछ सकता है आपसे, है ना, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश दोनों में कोई सा भी आ सकता है, तो उसका हो गया कथक। हो गए क्या 8? गिनो एक बार, बताओ हो गए क्या? तो इसका आंसर क्या है फिर? इसका आंसर है, काफी लोग आप सही भी बोल रहे हो, इसका आंसर है केरल। तो केरल में दो है, एक तो कथकली हो गया, एक मोहिनीअट्टम। अब मोहिनीअट्टम का आपकी कहानी सुनाता हूँ आपको मैं, एक बार आपके इनके मार्क लगा देता हूँ, देखो इनको याद कर लीजिएगा आप, मैं फिर से बोल देता हूँ। एक तो कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश में, मोहिनीअट्टम केरल में, कथकली केरल में,
भरतनाट्यम तमिलनाडु में, ओडिसी ओडिशा में, उसके बाद में असम में होगा सत्रिया, ठीक है, और कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का माने ना, तो ये इसको ये सात हो गया, और एक मणिपुर यानी मणिपुरी का, मणिपुर का मणिपुरी हो गया, तो ये हो गए आठ। आठ को आप याद रखना है। अब एक मोहिनीअट्टम की आपको कहानी सुनाता हूँ, जो मोहिनीअट्टम में क्या दिखाया जाता है वो चीज बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव के एक कोई राक्षस था भस्मासुर नाम का, भस्मासुर शिव भगवान की क्या है वो करने लगा, भक्ति करने लगा, यानी बहुत बड़ी अच्छी तपस्या की उन्होंने, तो भगवान शिव उनसे खुश हो गए, तो बोले उनके सामने प्रकट हो गए कि बोलो क्या चाहिए आपको, क्या वरदान मांगते हो आप। तो उसने बताया क्या बोला है कि मेरे को ऐसी शक्ति दो, भस्मासुर ने बोल रहा है कि ऐसी शक्ति दो मेरे को, ऐसी शक्ति चाहिए मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखू ना तो वो भस्म हो जाए, बोले उसकी इच्छा देखो। आपको यदि ऐसे कोई बोले तो आप क्या बोलो भाई, है आपकी इच्छा क्या है और उसकी इच्छा देखो, ये कौन सी इच्छा हो गई ऐसी। लेकिन थी, राक्षस था, घमंड आ गया उसको, यानी तपस्या किया राक्षस, क्या कि पहले राक्षस भी तपस्या करते थे। तो उसने क्या बोला कि मेरे को ऐसी शक्ति दो कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखू ना तो वो भस्म हो जाए। फिर भगवान शिव थे, भोलेनाथ थे, हो गए खुश उनकी तपस्या से, बोले तथास्तु। अब तथास्तु बोलते बोले अब मेरे को ट्रायल करके दिखाओ, यानी मैं दिखाओ मैं अब कैसे मान लूं कि ऐसे हो सकता है क्या। बोले मैं तो आपके ऊपर हाथ रखूंगा। तो राक्षस था आ गए अपने वाले पे, बोला देवताओं को कर देते हैं विनाश पूरा, भगवान शिव के पीछे पड़ गया, बोले मैं तो आपके ऊपर हाथ रखूंगा। अब वो वरदान था भाई, जिसके ऊपर रखे वो भस्म हो रहा था उससे, तो वो तो भगवान शिव के पीछे पड़ गया। भगवान शिव आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे, तभी सामने उनको भगवान शिव को विष्णु भगवान दिखे भागते दौड़ते। उन्होंने पूछा भाई क्या हो गया, शिव भगवान को बोले कि आपको क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो। तो बोले बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, मैंने किसी को वरदान दे दिया भस्मासुर को और वो मेरे ऊपर हाथ रखने वाला है, तो आप मेरे को कैसे करके बचा लीजिए। भगवान विष्णु ने बोला कि आप चिंता मत करिए, अभी करते हैं उसका काम। भगवान विष्णु भी कम चीज थोड़ी ना थे, तो उन्होंने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और उसी का नाम था मोहिनी। ये मोहिनी वहीं से आया, मोहिनी का रूप धारण किया यानी मोहने वाली, मोहन यानी उसको कोई देख लेना उनको तो वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। तो ऐसे ही रास्ते में भस्मासुर को दिख गई, भस्मासुर पहुंच गए उनके पास में, छोड़ दिया अपना वो तो भगवान शिव को तो छोड़ दिया कि उनके पास पहुंचे। अब बोलो कि मैं आपसे तो शादी करना चाहता हूं, अब ऐसे कौन मान जाएगा भाई शादी करना चाहते हो। तो भगवान विष्णु ने बोला कि मेरी एक शर्त है, मेरे को डांस में हराना पड़ेगा, डांस करके दिखाओ, डांस आता है क्या आपको। बोला आता है, बिल्कुल आता है। बोले मेरी तरह करना पड़ेगा, बोले कर लेंगे भाई। दोनों शुरू हो गए और करते 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 भगवान विष्णु ने अपने सिर पे हाथ रख दिया। अब वो स्टेप पूरी फॉलो कर रहा था, उसको पता नहीं नहीं करूंगा तो मेरी शादी नहीं होगी इनसे, और शादी करना चाह रहा था वो, तो वो उसके ऊपर रख दिया, रखते क्या हो गया भस्म हो गया। तो ये कला उसमें दिखाई जाती है। आप भी कहीं रूम लेके पढ़ रहे होगे ना तो इन मोहिनियों के चक्कर में मजा आ जाना बिल्कुल भी, क्योंकि घर से कुछ लक्ष्य तो कुछ और लेके आते हैं पढ़ने का, वो कर देंगे नहीं होता है ये सब, यानी पहले घर पे कि कहीं मान लो कोई किसी शहर में जाएंगे ना तो वहां जाके पता नहीं बहुत अच्छे पढ़ाई करेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, एक तारीख से पढ़ाई करेंगे, सोमवार से पढ़ाई करेंगे, वहां जाने के बाद पढ़ाई करेंगे, और वो भूल जाते हैं अपने लक्ष्य को इन मोहिनियों के चक्कर में आके। तो अपना लक्ष्य है ना उसके ऊपर ध्यान दो, मोहिनी तो अपने आप मिल जाएगी। फिर बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, मैं ये देखता हूँ यहाँ पे मैं, यानी किसी शहर के अंदर 100 में से कितने पढ़ने वाले लगते हैं, खुद आप खुद देखना, आप किसी को पूछ ले एक दूसरे को कितने पढ़ते हो। यहाँ पे 80 से 90% जनता वो इसी बाबू सोना में लगे हुए हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना है। अपने माँ बाप का जो चेहरा है ना उसको हमेशा अपने आंखों के आगे होना चाहिए कि वो क्यों भेजे अपने, क्यों अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो एक बार 40 दिन की तो बात है, 40 दिन में दिखा दो अपना रंग रूप क्या है और क्या करने वाले हो। वो वर्दी है ना, वो वर्दी पहन के जाना आप घर पे, ठीक है, वो दिखनी चाहिए, अभी किसी के चक्कर में नहीं पड़ोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया। अब चलो, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है,
साइंस का क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, क्योंकि साइंस का आपके दो से तीन चार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक किससे संबंधित है, किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क को, और किसको करता है, रीढ़ की हड्डी में जो झिल्ली होती है ना उसको प्रभावित करता है, रीढ़ की हड्डी की झिल्ली को भी प्रभावित करता है। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है, पूछ लेते हैं बहुत बार, ठीक है ना, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव किस वर्ष में आयोजित हुए थे, किस वर्ष में हुए थे, हैं बताओ, साथ साथ में उत्तर देते रहा करो, 1951 और 52 में। अब लोकसभा में सीट कितनी है बताओ, क्वेश्चन लगातार पूछता हूं, लोकसभा में सीट कितनी है बताओ, लोकसभा के अंदर सीट है, अब इसमें ना कईयों के कंफ्यूजन होगा भाई, 550 है और दो कौन सी थी, एंग्लो इंडियन की, तो उस प्रावधान को अभी समाप्त कर दिया गया है, जो दो थी ना 552 थी, तो इसको अभी क्या वर्तमान में क्या कर दिया है, इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और राज्यसभा में कितनी है, राज्यसभा में है 250, इसमें राज्य और केंद्र को मिलाते हैं ना, यानी राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है ना, राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनको मिलाकर होती है 238। अब फिर 12 है ना, 12 जो इसमें बच गई वो कौन करता है, राष्ट्रपति, किनको चुनता है, मनोनीत करता है किनको, जो साहित्य कला खेल विज्ञान समाज सेवा उन सब क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उन सबको मनोनीत किया जाता है, उन वो कितने होते हैं, 12 लोग होते हैं। अब एक चीज और बताओ, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद भी पूछ लेते हैं आपसे, तो इसकी छोटी ट्रिक है, देखो ठीक है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं पूछ रहा मैं, यह सरला, सरला तो नाम याद रख सकते हो, नहीं रख सकते क्या, इसमें क्या होगा संसद, रैसे क्या होगा राज्यसभा, और लैसे क्या हो गया लोकसभा, तो संसद कितने किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 79 में, 80 में क्या है राज्यसभा, और 81 में क्या है लोकसभा। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई आपसे, याद रखना इनको भाई, किस अनुच्छेद में है, देखो अब एक क्वेश्चन के कितने कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, अरे हर के एक एक क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, तो इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है। और इनमें क्षेत्र भी पूछ सकते हैं, किस किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र जुड़े हुए लोगों को करते हैं, तो वो भी याद रखना है आपको, एक तो साहित्य हो गया, एक विज्ञान हो गया, एक कोई कला हो गया, और एक खेल और समाज सेवा, ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। केरल में फसल कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है बताओ, कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, डरना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हल्के फुल्के चक्कर में छोड़ भी मत देना, पढ़ना भी है भाई, ठीक है ना, कौन सा होगा अब खुद ही बताओ, लोहड़ी कहां किया जाता है, पंजाब में, कहां मनाया जाता है, पंजाब में, पोंगल तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर, ओणम कहां होता है, केरल में, और जो वैसाखी है ये उत्तर भारत में, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, कुछ पार्ट पंजाब में, कुछ राजस्थान में, इन सब में मनाया जाता है वैसाखी, ठीक है। इस तरीके से आप लगातार अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहो, ये चीज आपको पूछते हैं, देखो मैंने एक क्वेश्चन में तीन तीन चार चार क्वेश्चन ले रहा हूं एक साथ में, तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भी। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया, किसे शामिल नहीं किया गया, अब हरित क्रांति का क्वेश्चन अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था उसमें, तो किस पे किसे संबंधित था, इसमें सबसे सर्वाधिक ध्यान किस पे दिया गया था, गेहूं पे, गेहूं और जो चावल होता है ना अपना धान, धान की फसल पे सर्वाधिक इसका प्रभाव पड़ा है भाई, इसके आने के बाद इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, इसकी पैदावार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, तो क्या था, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को
शामिल किया गया था ना। सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली को उपयोग को और खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को, यानी तकनीक लाई गई थी, बीज भी अच्छे बनाए गए थे, सिंचाई भी इसमें अच्छी की गई थी, यानी सिंचाई की व्यवस्था जो करनी होती ना तो उस प्रणाली को भी विकसित किया गया था। तो इसमें गाँवों की सड़कों के सुधार को नहीं दिया गया था। यह आपका आंसर हो जाएगा। आंसर लगा रहे हो कि पीछे के आप लगाते रहे ना, शायद मैंने नहीं लगाया लेकिन मैं उसके आगे लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गुप्त वंश किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस राजा को बताओ, एक बार मैं पानी पी लेता हूं। गुप्त वंश के किस राजा को, बताओ किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त, संस्थापक था भाई। ये पूछ भी लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? कलिंग पुरस्कार कौन देता है बताओ भाई, कौन देता है कलिंग पुरस्कार? ये देता है यूनेस्को। और अभी वर्तमान में किसे दिया गया था है? विश्व भूषण हरिचंदन को। कब, कहाँ, कौन है ये? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। राज्यपाल है भाई, ये अब करंट का क्वेश्चन है तो आ सकता है, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है भाई बताओ? विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, पता है क्या आपको? भारत में कहाँ पाया जाता है फिर? भारत में पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोहा निकाला जाता है, नहीं लोहे का एस्क पूछ रहा है इसमें, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में, इसमें एस्क पूछ रहा है बताओ, इसमें हिंगुल किसका एस्क है? यह सोडियम का, सोडियम का एस्क है हिंगुल। बॉक्साइड का किसका एस्क है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का। और डोलोमाइट किसका है? मैग्नीशियम का। ठीक है, तो लोहा हेमेटाइट किसका होगा? अपने आप ही लोहे का, ले लो स्क्रीनशॉट। अगला लास्ट क्वेश्चन है अपना, बताओ बताओ, अब प्रसिद्ध आ गया, पहले भी है पहले आ चुका भाई, किसका दरबारी दरबारी थे बताओ, किनके दरबार में थे? अकबर के में, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपके बीच में क्वेश्चन लगातार लेके आते रहूंगा, और आपको इन क्लासों को अच्छी तरीके से शेयर करना है। सबसे पहले आपको फिर से एक बार मैं टाइम बता देता हूं, देखो 6 बजे किसी क्लास होने वाली है रीजनिंग की, और वो कब से होगी? 2 से 3 दिन में, यानी मैं दिलीप सारण सर के बारे में बताया था, उनको तो कुछ काम हो गया लेकिन वो तो नहीं लेंगे। उसके बाद में हमारी दूसरी फैकल्टी का साथ बात चल रही है, तो जल्द ही वो आपके सामने आने वाली है, क्योंकि फैकल्टी लाने तो भी टॉप ही लाने ना, क्यों लाए फिर, बढ़िया फैकल्टी लेके आई। 7 PM किसका टाइम है? पूजा मैम का, जो आपको क्या पढ़ा रही हैं? हिंदी। और आज क्लास आपने देख ली होगी ना किस तरीके से पढ़ा रहे हैं,
बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी हिंदी वगैरह में तो आपके क्वेश्चन, और देखो इसमें गलत भी नहीं होना चाहिए, हमारी जो फैकल्टी है उस अनुसार तो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए भी। यदि आपका स्कोर कम है, गलत हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको 40 दिन में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे, तो बिल्कुल गलत नहीं होंगे आप, नो टेंशन रहो। उसके बाद में 8 बजे हमारे करणी सिंह राठौर सर क्या पढ़ाते हैं आपको, मैथ पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी उनकी सुबह 8 बजे क्लास चलती है, देखो शाम को 8 बजे तो चलती है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए स्पेशल है या आपके लिए, ठीक है ना, आपके लिए जो क्वेश्चन सिलेक्ट करके वो लेके आ रहे हैं, जो आपके लेवल के पूछे जा रहे हैं। और सुबह 8 बजे होती है उनकी, जो एसएससी रेलवे वगैरह जो एग्जाम है सीजीएल की, तो उन सब के लिए, यानी पूरी जो जिस भी एग्जाम में मैथ आती है उन सब के लिए 8 बजे सुबह होती है, यानी वो कंबाइंड स्पेशल बैच चल रहा है। उसके बाद में 9 बजे, अभी जो देख रहे थे आप, 9 बजे ये मेरी क्लास होगी, तो इसमें क्या होगा आपका जीके एंड जीएस, ये मैं करवाने वाला हूँ, तो आपके चारों सब्जेक्ट आएंगे। हम इंग्लिश नहीं करवा रहे हैं अभी, क्योंकि इंग्लिश अभी ज़्यादा बच्चे नहीं हैं उसमें, इन सब में करवा रहे हैं अभी, इनकी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो ये सब हम इसको नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए आप इस टाइम को, ये तो पूरा ही हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए, ये होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहिए, आपकी भी हम अच्छा करियो प्रयास करेंगे, आपका स्कोर अच्छा बढ़े, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।